नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं फोर्ड फ्री स्टाइल के बारे में। ये फ्री स्टाइल का फ्लेयर एडिशन है, जो कि एक नया एडिशन है फ्री स्टाइल के टॉप टाइटेनियम प्लस के ऊपर। अभी यहां पे फ्लेयर एडिशन में क्या क्या अलग है, सबसे पहले तो वो चीज़ों की बात कर लेते हैं। पहले गाड़ी गंदी हो रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और लगातार हो रही है। अभी मैं धुलवा के लाया हूँ, उसके बाद देखो ये आते आते गंदी हो गई है। तो ये अलॉय व्हील्स जो है वो डार्क है, अगर आपको सैंडी लग रहे हो तो सैंडी नहीं है। चेंजेस क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ फ्लेयर एडिशन में। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करेंगे कि ORVM जो है उस पर कुछ ऐसी फिनिश देखने को मिलती है, और सेम फिनिश जो है वो आपको इस जगह भी देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो नीचे की और यहाँ पे भी जो है आपको वही फिनिश देखने को मिलेगी। उसके अलावा बाकी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। एक्चुअली ये सटल लगती है, थोड़ी सी डिसेंट लगती है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ओवरडन हो गया है, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है। इधर की तरफ थोड़े से डिकैल्स चिपके हुए हैं, जहाँ पे फ्लेयर की बैजिंग जो है वो ब्रांडिंग जो है वो यहाँ की गई है। पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो अगेन एक डिकैल आपको यहाँ दिख रहा है, और उस डिकैल के साथ साथ में आपको यहाँ पे अगेन वही उसी तरीके का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा कोई भी एक्सटीरियर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ सेम है। इनफैक्ट साइज़ वगैरह अलॉय मैकेनिकली भी जो को है कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद अंदर की ओर स्टेप इन करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो आप देख पा रहे हैं, अगेन सेम फिनिश यहाँ पे दी गई है। डैशबोर्ड जो है वो ऑल ब्लैक है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऑड फिनिश वगैरह कुछ नहीं है। एक चीज़ ये जो आप स्टीयरिंग व्हील नोटिस कर रहे हैं, ये लेदर रैप्ड है, जो कि एक बहुत ही चीज़ है। पहले जो है लेदर रैप नहीं आता था, वो रबराइज टाइप आता था तो इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये लेदर रैप जो है वो एक्चुअली काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे कोई शिकायत उससे नहीं है रिलेटेड। फिर जो चेंजेस है वो है सीट्स में। ये सीट्स में फ्लेयर की यहाँ पे बैजिंग है, उसके बाद में ये सीट जो है कुछ टेक्सचर इसका बदला है, प्लस ओवरऑल जो अपहोल्स्ट्री है उसमें चेंजेस है। रेड स्टिचिंग जो है वो सीट को दी गई है, उसके अलावा कहीं भी रेड स्टिचिंग नहीं है। इनफैक्ट ये जो यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, इसकी स्टिचिंग रेड हो जाती तो और मज़ा आता, बट रेड जो है वो नहीं की गई है। तो ये चीज़ें हैं फ्लेयर से जुड़ी हुई, सारे चेंजेस फ्लेयर से जुड़े हुए यही है। इसके अलावा कोई चेंजेस जो है फ्लेयर में नहीं है। अब बात करते हैं कि फ्री स्टाइल में क्या खास है। फ्री स्टाइल जो है मैंने फोर्ड कार्ट्स पे, मतलब डीजल वेरिएंट फ्री स्टाइल का, वो फोर्ड कार्ट्स पे लगभग 16-17 हज़ार किलोमीटर चलाया था, और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि उसके बारे में कुछ रिव्यू या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप शेयर करो कि कैसी है क्या है। तो ओवरऑल वो चीज़ें जो मेरे पॉइंट्स हैं फ्री स्टाइल के बारे में वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उन 16 हज़ार से भी ज़्यादा एक्चुअली 16 हज़ार किलोमीटर में फ्री स्टाइल को चला के कैसा लगा। मैंने ओवर द ईयर 45 दिनों में 16 हज़ार किलोमीटर चलाई थी, और ये पर्टिकुलर गाड़ी पेट्रोल है, लेकिन मैंने जो चलाई थी वो डीजल है। तो दोनों की बात जो है इसमें कर लेते हैं कि कौन इसको खरीद सकता है। पहली बात, फ्लेयर की प्राइसिंग क्या है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे आप अभी देख पाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है, क्या होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी, उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो इंटीरियर में जो है मतलब ठीक है, डिज़ाइन वगैरह सब्जेक्टिव है, कई लोगों को पसंद आया ना आए, बट अगर आप कितने भी एंथुजियास्ट हो, एक चीज़ आप हमेशा चाहते हो कि आपकी कार थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफ रहे, तो उस मामले में जो है यहाँ पे एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले का ना होना एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, और इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आपको मिलता है ये नेविगेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई नहीं है, बट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो नहीं आते हैं उसमें। मतलब अब हटा दिए गए, पहले तो आते थे। जो गाड़ी मैं कार से ड्राइव लेके गया था उसमें एंड्रॉइड ऑटो वगैरह पे था, बट इसमें वो नहीं है। उसके बाद में आपको इंटीरियर में जो है ऐसा कोई शिकायत बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो देखने को मिलेगी वो ये कि रियर में जो है कोई भी तरीके का लैंप वगैरह नहीं दिया गया, प्लस क्योंकि ये ब्लैक है कंप्लीटली तो कई बार एकदम अंधेरे जैसा माहौल जो है वो पीछे हो जाता है, जो कि एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है। उसके बाद में आपको पीछे की सीट्स पे बॉटल होल्डर वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कई लोगों के लिए। जब आप ये सोचते हो कि फैमिली वैमिली के हिसाब से गाड़ी देखनी होती है, फिर कोई आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो भी ऑफर नहीं किया जाता है पीछे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। गाड़ी में इतना ज़्यादा बड़ा स्पेस भी नहीं है पीछे के, तीन लोग बैठे तो वहाँ पे आर्मरेस्ट अगर दे दिया जाता तो एक अच्छी चीज़ हो जाती कई लोगों के लिए। उसके बाद फीचर्स वगैरह से रिलेटेड कोई इशू नहीं है गाड़ी में। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है आपको वो दिया जाता है। तो फीचर्स से जो है वो एक अच्छी तरीके से लोडेड है, डिसेंटली लोडेड है। जिस प्राइस पॉइंट में आती है उस हिसाब से आप फीचर्स के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जो है वो काफ़ी चीज़ें आती है। इनफैक्ट ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो है स्विच जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको ऑफ कर ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल उसको कर सकते हो। उसके बाद में आपको गाड़ी जो है कई तरह की चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हुआ, चाहे ट्रैक्शन कंट्रोल तो बता ही दिया मैंने, उसके बाद में ABS, ABD और आपका रोल ओवर मिटिगेशन वगैरह जो है, थोड़ा सा बीफियर इसका एंटी रोल बार आता है आगे की तरफ, तो वो चीज़ें जो है उस वहाँ पे बराबर हो जाती है। उसके बाद हम बाहर चलते हैं और बाहर मैं आपको दो चार चीज़ें दिखाता हूँ। अब एक्सटीरियर में क्या है कि लाइट्स वगैरह जो है उसका थ्रो डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
किसी भी तरीके की DRLs यहाँ देखने को नहीं मिलती है, जो कि आजकल कई लोग कंसिडर करते हैं कि DRL वगैरह गाड़ी में होनी चाहिए, तो वो आपको देखने को नहीं मिलती है। और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो भी नहीं दिया जाता है, तो वो भी एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट उसके बारे में हो जाता है। एक अच्छी चीज़ फ्री स्टाइल के बारे में ये है कि जैसे अभी इंजन चल रहा है तो उसके बावजूद आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो, तो अगर मुझे AC चालू छोड़ के जाना है तो आपकी गाड़ी जो है वो लॉक हो गई है, और अनलॉक करोगे तभी खुलेगी, वरना खुलेगी नहीं। वो एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि दो आपको स्मार्ट की दी गई है और अंदर आपको पुश स्टार्ट वाला सिस्टम भी दिया गया, बट स्टिल आपको चाबी से ही लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। किसी भी तरीके का पैसिव एंट्री सिस्टम जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ अगर आ जाए तो एक और अच्छी चीज़ हो जाए। उसके बाद में पीछे की और अच्छी बात यह है कि बूट जो है आप गाड़ी चालू उसके बावजूद डबल क्लिक करके इसको बूट को खोल सकते हो, बट बूट उतना बड़ा नहीं है, इसको ईजिली बड़ा किया जा सकता है। सब 4 मीटर होने के बावजूद जो है एक हल्का सा जो ना स्कोप बच जाता है। फीगो के हिसाब से ये बूट बुरा नहीं माना जाता है, बट अगर फ्री स्टाइल को किसी तरीके से एक्सटेंड करके इस बूट को हल्का सा एक्स्ट्रा दे दिया जाता तो वो चीज़ इसके बारे में अच्छी हो जाती। उसके बाद में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है एक्सटीरियर में जो शायद मुझे इसकी कमी खल रही हो। एक ये एंटीना इतना बड़ा क्यों है, इसको छोटा किया जा सकता है इजीली, जहाँ बाकी मतलब ठीक है कई लोगों को लगेगा, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है एक्सटीरियर में मुझे नहीं लगती है। ये देखो खोलो भाई, अनलॉक करो। अब चलते हैं और ड्राइव करते हैं जहाँ पे इसकी बहुत सारी खूबियाँ मौजूद है उनकी बात करते हैं। तो वैसे तो फ्री स्टाइल जो है उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज जो है आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन फ्री स्टाइल जो लोग खरीदते हैं वो चीज़ आपको अगर जाननी है तो आपको इसको चलाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि फ्री स्टाइल की USPs क्या है। सबसे पहली चीज़ कमाल की हैंडलिंग। फोर्ड फ्री स्टाइल जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इस तरीके की हैंडलिंग अगर कोई ऑफर आपको कर पाता तो शायद क्रॉस पोलो जो आती थी वो ही कर पाती, बट वो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। तो ये जो रेज्ड कार्स वाला है, रेज्ड हैचबैक वाला सीन है, इसमें अगर आपको ये हैंडलिंग चाहिए तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री स्टाइल में जो है इस तरीके की हैंडलिंग मिल पाएगी। बेहद ही खूबसूरत हैंडलिंग मैं कहूँगा फ्री स्टाइल की, काफ़ी प्रिसाइज है, आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा मतलब स्लो स्पीड पे भी स्टीयरिंग इतना हार्ड नहीं है, और हाईवेज पे तो एकदम सही शार्पनेस है स्टीयरिंग में, आपको फीडबैक भी एकदम सही मिलता है। तो वो सब चीज़ें जो है इसके फेवर में काम करती है फ्री स्टाइल के। उसके बाद में स्टीयरिंग वगैरह जो है उसमें एक शिकायत मुझे थी कि ये स्टीयरिंग जो है इस जगह पे थोड़ा सा परेशान करता था, बट ये लेदर रैप्ड होने की वजह से वो प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो गई है। यहाँ पे आप स्टीयरिंग किसी भी तरीके से पकड़ें आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट USP है वो है इसके पावरफुल इंजन। डीजल और पेट्रोल दो इंजन ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और ये कुछ पावर फिगर्स है डीजल और पेट्रोल की। हालांकि जब से गाड़ी BS6 हुई है तब से जो पेट्रोल है उस पर कुछ कुछ पॉइंट्स पे कुछ कुछ जगहों पे ऐसे एकदम ऐसे लगता है कि कुछ जगहों पे पावर की कमी है, आपको थोड़ा सा गियर्स पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। बाकी कहीं पे भी आपको जो है ऐसे किसी भी मोड में चाहे आप 4 जने बैठे हो गाड़ी में चाहे पहाड़ों पे जा रहे हो, आपको शायद पावर की कमी जो है दोनों इंजन से नहीं महसूस होगी। दोनों ही बहुत ही बढ़िया पावरफुल इंजन है। डीजल जो है फोर्ड का वो इनफैक्ट बिकता भी ज़्यादा है। अभी के टाइम पर अगर आप बात करो ना तो यूजुअली ब्रांड्स जो है पेट्रोल ज़्यादा बेचते हैं, बट फोर्ड ही वो कंपनी है जिनके डीजल और पेट्रोल ऑलमोस्ट सिमिलर बिकते हैं, क्योंकि इनके डीजल इंजन बहुत खूबसूरत है। एक अच्छी बात डीजल इंजन के बारे में यहाँ पर ये है कि ना सिर्फ वो पावरफुल है बल्कि वो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स भी निकाल के देता है। तो हालांकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती, आप अगर उसको बहुत ही बढ़िया रेव कर रहे हो तो फ्यूल एफिशिएंट वो नहीं रहता है, बट एक ही इंजन से आपको दोनों फीचर्स मिल जाते हैं कि आप उसको आराम से चलाओ तो बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी वो निकाल के देता है, और अगर आप उसको रेव वगैरह करना चाहो तो उस पर्टिकुलर डीजल इंजन जैसा डीजल इंजन जो है सेगमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेहद ही कमाल इंजन जो है वो है। उसके बाद में फोर्ड फ्री स्टाइल जो है उसके सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे सस्पेंशंस जो है वो मतलब आप इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से आप कह सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे आप स्मूथ रोड्स हैं वहाँ पे तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है हल्का फुल्का आपको जो है लगता रहता है कि गाड़ी में शायद बॉडी रोल ज़्यादा होगा, क्योंकि हल्का फुल्का मूवमेंट जो है वो रोड्स पे करती रहती है, सिर्फ वेल प्लांटेड टाइप वाली फीलिंग नहीं है कि एकदम स्मूथ चल रही है, बट वो चीज़ एकदम से आपको अच्छी लगने लगेगी जैसे ही आप हल्की सी खराब रोड पे जाओगे। तो हल्की फुल्की खराब रोड, जैसे ये बहुत स्मूथ रोड है, अगर इसमें छोटे मोटे भी गड्ढे हो तो वहाँ पे जो है आपको फ्री स्टाइल के बारे में पता चलता है कि ये गाड़ी जो है वो कितनी बेहतरीन सस्पेंशन के साथ में आती है। ना सिर्फ छोटी मोटी खराब सड़कें बल्कि अगर आपको बड़े बड़े गड्ढे भी अगर गाड़ी में मतलब कहीं ऐसी जगह पर ले जाना पड़े जहाँ पर बड़े गड्ढे से डील करना पड़ रहा है तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तेज स्पीड्स पर भी जो है गड्ढों से निकल जाएँ तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्हें झेल लेंगे। आपको एक एहसास अगर मैं बताऊं तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि गाड़ी में सस्पेंशन जो है वो इससे बड़ी गाड़ी के सस्पेंशन जो है उसमें दिए गए, मतलब ज़्यादा हैवी ड्यूटी सस्पेंशन जो है वो आपको देखने को उसमें लगेंगे, मतलब फील महसूस जो है वो ऐसा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी।
हाईवेज पे वैसे तो देखो आप 120 की स्पीड लिमिट होती है इंडिया में, मैक्सिमम वही होती है, यूजुअली 80-100 के आसपास होती है, बट स्टिल अगर आप हाई स्पीड्स की बात करें तो फ्री स्टाइल जैसी कमाल स्टेबिलिटी जो है वो आपको मिलना मुश्किल है। बहुत ही स्टेबल जो है ये हाई स्पीड्स पे रहती है। मैंने इतना चलाया है, कई बार मुझे ऐसे हाई स्पीड्स करके जाना पड़ता था, और मतलब कई बार सड़कें भी इतनी स्मूथ नहीं होती थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम जो है गाड़ी को कैसी भी नहीं होती थी स्टेबिलिटी वाइज। वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ फ्री स्टाइल के बारे में आपको देखने को मिलेगी। स्टेबिलिटी, हैंडलिंग, सस्पेंशन, सारे जो है वो चीज़ यूएसपी है। प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर ड्राइव ट्रेन वगैरह में जो है, पेट्रोल जो मैं चला रहा हूँ इसमें, वो ये कि इसकी फ्यूल इफिशेंसी फिगर्स जो है वो अच्छे नहीं है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर इंजन जो है आपको शहर में लेट से 9-10 मतलब दिल्ली जैसे ट्रैफिक वाले शहर में 9-10 के आसपास शायद फ्यूल इफिशेंसी डिलीवर करेगा, और जहाँ अगर आपके एरिया में कम ट्रैफिक होता है तो भी 10-11 के आसपास ही फ्यूल इफिशेंसी देगा। हाईवेज पे जरूर ये आपको फिर भी 13-14 के आसपास की फ्यूल इफिशेंसी फिगर जो है वो निकाल के दे देगा, जो कि एक डिसेंट फ्यूल इफिशेंसी फिगर आ जाते हैं। बट डीजल जो है वो इसका बढ़िया फ्यूल इफिशेंट है। अगर आपको चाहिए कि भैया एक और चीज़ जो फ्री स्टाइल के बारे में बढ़िया है वो ये कि ये ना सिर्फ रेज्ड है, मतलब डेफिनेटली ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ी है, बट उसके बावजूद ये कुछ कुछ सर्टेन जगहों पे बहुत ही केपेबल भी बन जाती है। कई ऐसे इंस्टेंसेस आए थे जब मैं रोड सेफ्टी ड्राइव पे था, तब वहाँ पे रोड्स वगैरह जैसे ख़राब थी, या मुझे कहीं इधर उधर डिवाइडर वगैरह पे गाड़ी, डिवाइडर मतलब वो जो होते हैं ना बीच में मिट्टी के ढेर लगे होते हैं उस पर चढ़ानी पड़ रही थी, तो वहाँ पे जिस तरीके से इसका ओवरऑल डिफरेंशियल जो फ्रंट में पावर सिस्टम जो है वो काम करता है, वो कॉम्प्लीमेंट करता है इसकी रेज है इसको, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसके बारे में लगी कि एक्चुअली हल्की फुल्की केपेबल ये ऑफ रोडिंग में है भी, तो वो जो है वो ऐड करता है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो है ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस दे दी बाकी और कुछ नहीं है गाड़ी में, वो सीन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद एक चीज़ जो कि मुझे हल्की फुल्की कंसर्न में रहती है वो ये कि ओवरऑल बिल्ड जो है गाड़ी की, उसमें कई जगहों पे मुझे शिकायत है। कुछ कुछ पार्ट्स की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, फोर्ड स्टैंडर्ड की नहीं है बेसिकली। अगर आप एको स्पोर्ट एंडेवर वगैरह देखोगे तो वहाँ पे जो है वो बहुत ही बढ़िया टॉप नॉच क्वालिटी जो है, एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसे हम आमतौर पर कहते हैं वो है, बट वो चीज़ फीगो फ्री स्टाइल और एस्पायर वगैरह के लिए कुछ पॉइंट्स में नहीं कही जा सकती है। कुछ पार्ट्स, सर्टेन पार्ट्स है जो कि आपको ओवर द टाइम जैसे 2-3 साल बाद में लगने लगेगा कि पार्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हालांकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आपकी प्रेफरेंसेस ये है कि भैया फ्री स्टाइल आपको अच्छी लग रही है तो ऐसा कोई बड़ा इशू उसको मत काउंट कीजिएगा, बट कई ऐसी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी जो है वो ऑफर करने लग गई है, बट वो चीज़ यहाँ पर आपको जो है इतनी देखने को नहीं मिलेगी। एंड देन एक और प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में वो ये कि अगर आपको ऑटोमेटिक खरीदना है तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही आपके पास में डीजल में ऑटोमेटिक है, ना ही आपके पास पेट्रोल में ऑटोमेटिक है। सुनने में ये आ रहा है कि अब जल्दी BS6 वाले इंजन के साथ में हमें एस्पायर और फीगो में जरूर ऑटोमेटिक मिल जाएगा पेट्रोल के साथ में, बट यहाँ पे आपको अभी भी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो अगेन ऐड हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी लोग ऑटोमेटिक्स प्रेफर कर रहे हैं, तो वो नहीं होना जो है वो एक बड़ी सैड चीज़ है अगर आप ऑटोमेटिक चॉइस बना रहे हो। हालांकि जिस तरीके का एंथुजियास्टिक फील जो है इन पर्टिकुलर गाड़ियों के साथ में है, उस चीज़ में आपको शायद ज़्यादा पसंद तो एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा, बट स्टिल अगर आपको ऑटोमेटिक दे दिया जाता है तो कुछ एक लोग हैं जो कि शायद उसको ख़रीदना पसंद करेंगे। उसके बाद में फोर्ड की एक ओवरऑल इमेज जो है वो अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि इमेज ख़राब है, बट उसके बारे में लोगों के ओपिनियंस जो है वो थोड़े से डाउटफुल रहते हैं, और वो थोड़ा सा मतलब एक ऐसी चीज़ जिस पर फोर्ड को काम करना चाहिए। एक तो बड़ी वियर्ड चीज़ ये है कि कई लोगों को लगता है फोर्ड जो है इंडिया छोड़ के चली जाएगी, जो कि चीज़ अब ऑलमोस्ट मतलब मान सकते हैं कि खारिजी हो गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि लगातार फोर्ड जो है अपनी गाड़ियों को धीरे 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 कुछ ना कुछ अपडेट तो देता ही जा रहा है, प्लस वो महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर में भी आ गए हैं अब, तो वो डील जो है वो थोड़ी ताज़ी है, तो शायद वो चीज़ को आप एलिमिनेट कर दें अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको वो चीज़ कन्फ्यूज़ करिए, तो वो इशू यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें हैं फोर्ड फ्री स्टाइल के बारे में। बाकी तो मतलब आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मुझे कुछ खास जो है आपको दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन आई होप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चीज़ ठीक हो। एक तो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, इनका कम जो एक कंप्रेसर है ना एसी का, वो बहुत ही तेज़ आवाज़ करता है। डीजल में तो और ज़्यादा तेज़ करता है, इसमें थोड़ा बहुत कम है फिर भी, तो इंजन आवाज़ नहीं करता है, कंप्रेसर आवाज़ करता है। हालांकि अंदर की और NVH की बात करें तो डीजल के NVH ज़्यादा है, पेट्रोल में सिर्फ 3,000 RPM के बाद में ही जो है वो NVH ज़्यादा होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए NVH से रिलेटेड ज़्यादा। बस ये है फिलहाल फ्री स्टाइल में। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, पसंद है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। अगली वीडियो तक कल दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। ब्लू ओवल।